Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. तमाम videos updates के लिए हमारे channel को subscribe करें और bell notification icon को click करें. दुनिया में अक्सर लोगों की वफा तब तक होती है जब तक इनका मतलब होता है. और जिन रिश्तों की बुनियादों में झूठ की मिलावट आ जाए वो रिश्ता ज्यादा देर बाकी नहीं रहता. ये कहानी गुलाम यासीन नामी शख्स की है. गुलाम यासीन मुजफ्फराबाद में 22 साल बीवी शाजो और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था. ये दोनों मियां बीवी करीबी ही एक भट्टे पर मजदूरी किया करते थे. इन दोनों का एक छोटे से कमरे का घर था. ये सारे ही एक कमरे में रहते और मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जलाते. एक दिन गुलाम यासीन और इसकी बीवी शाजो भट्टे पर काम कर रहे थे कि इनका रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए इनके भट्टे पर आया. इसके पास ना ही कोई रहने की जगह और ना ही इसके पास कोई काम था. यासीन के कहने पर मुर्तजा इनके साथ घर में रहने लगा और यासीन ने अपने सेठ से बात करकर इसको भी अपने साथ काम दिलवा दिया. वो इनके साथ वाले घर में रहने और एक ही जगह पर काम करने लगा. एक दिन ये तीनों काम के लिए निकल रहे थे कि इसकी बीवी शाजो की तबीयत खराब हो गई और वो कहकर घर रुक गई. अभी यासीन और मुर्तजा आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि मुर्तजा ने कहा कि वो अपना फोन घर भूल आया है और ये कहकर घर वापस चला गया. शाजो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक इसे खटखट की आवाज आने लगी जैसे कोई बाहर है. वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मुर्तजा अपना फोन ढूंढ रहा है. मुर्तजा के फोन ढूंढने के बाद इनकी आपस में बातचीत शुरू होने लगी. मुर्तजा शाजो से कहने लगा कि तुम में तो कोई खास बात है, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी. ये सब कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया. मुर्तजा के जाने के बाद शाजो के जहन ने इसकी बातों को जकड़ लिया और अपने पास पड़े शीशा पकड़कर इसमें देखने लगी. इसके लबों पर एक अजीब सी ही मुस्कुराहट थी. गुलाम मुर्तजा की बातों ने शाजो पर जादू कर दिया था और अचानक वो इसे अच्छा लगने लगा था. बात यही तक थी कि शाजो के शोहर को इन दोनों पर शक होने लगा और इसका रवैया मुर्तजा से खराब होता गया. एक दिन शाजो का शोहर और मुर्तजा आपस में बात कर रहे थे कि यासीन ने इसको बहाने से अपने घर से और नौकरी से निकलवा दिया. यासीन ने बड़ी होशियारी के साथ मुस्तफा का पत्ता साफ कर दिया और किसी और इलाके में चला गया और कभी कभी शाजो के घर का चक्कर लगाया करता था. ये खबर जब शाजो के शोहर को मिली तो इसका शक यकीन में बदल गया. एक शाम मामूल के मुताबिक मुर्तजा शाजो से छुपकर मिल रहा था. वो एक कमरे में बैठे बात कर रहे थे कि वहां पर तो जैसे कयामत ही आ गई हो. कुछ ही देर में सब कुछ बदल के रह गया. आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबकी जिंदगियां यूं ही बदल के रह गईं? जी हाँ, शाजो के शोहर ने इसको और इसके मुबैया आशिक को और साथ ही साथ इसकी 10 माह की बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और खुद एक बेटे को लेकर फरार हो गया. और थोड़े ही अरसे बाद यासीन पुलिस की हिरासत में आ गया और इसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी. कुछ रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर तवज्जा ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं. अगर शाजो अपने शोहर और अपनी घर की इज्जत का ख्याल करती तो इतनी जिंदगियां तबाह ना होती. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें अपने या फिर इर्द गिर्द होने वाले किसी भी वाक्य से आगाह करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए.